वेरी गुड इवनिंग सूर्यांश, कैसे हो बालक? बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ, कल आप भाग गए थे। अच्छे अच्छे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हुए कल, बढ़िया बढ़िया मैंने क्वेश्चन कल डिस्कस करवाए। आज रुकिएगा यहीं पर। कैसे हो बच्चे? कुलदीप ओके, बाहर थे, कोई बात नहीं। हाँ भाई, बाकी जनता जल्दी आओ। बस बेटा कुलदीप, एकदम बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग शुभम, नमस्कार बच्चे। योगेश क्वेश्चन बुकलेट, चलिए ग्रुप में मिल जाएगी बेटा। ग्रुप में मिल जाएगी तो भेज दूंगा। बस बेटा एकदम बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग रामा कृष्ण, ये लेक्चर सातवां लेक्चर है बेटा। इट इज आई थिंक सेवंथ लेक्चर। क्योंकि 3 जनवरी से स्टार्ट किया था तो हाँ सेवंथ है आज। चलो स्टार्ट करें। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कल क्लास? हाँ बिल्कुल होगी, क्यों, क्लास तो डेली रहेगी ना, क्या परेशानी है। देखिए बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में हमको देखना होगा क्या, व्हाट इज द बीम। बीम क्या होता है? क्या होता है बच्चों? सूर्यांश, रोहित, सौरभ आ गए बच्चे, वेरी गुड। बताइए क्या होता है बीम? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल मेंबर, बहुत अच्छे मेंबर, बिल्कुल। ट्रांसवर्स फोर्स लगे जब, ओके। कैसे हो बेटा सौरभ? सब है, ये जो आपने सब आंसर दिए सभी है। तो बीम इज अ, बीम इज अ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज
सब्जेक्टेड ट्रांसवर्स शियर लोड ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी। नॉर्मल लोड नहीं होता बेटा, ट्रांसवर्स शियर लोड लगता है इस पर। ट्रांसवर्स शियर लोड सब्जेक्टेड होता है, जैसे इस तरह से। तो इसके क्रॉस सेक्शन के अगर हम देखेंगे बेटा तो कैसा होता है, पहला हाँ एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो इसको जो क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा बनेगा, यहां पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा आपका एक्सिस के अबाउट बी और डी, इसके पैरेलली लोड सब्जेक्टेड होगा, ठीक है। एज वेल बीम का बेटा क्या होता है, लेंथ बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इट्स क्रॉस सेक्शन डायमेंशन। क्रॉस सेक्शन डायमेंशन की कंपेयर में अगर आप लेंथ देखेंगे तो बहुत ज्यादा होगा। लेंथ होता है लगभग 4 मीटर, डायमेंशन होगी आपकी 50 mm, ठीक है, 50 mm, 100 mm, इस तरह से। तो ये होता है बीम। अब बेटा बीम अगर आप देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बीम होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बीम पहले देख ही लेते हैं। तो पहला अगर हम देखेंगे बेटा तो यहां पर क्या होता है, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम। दूसरा अगर हम देखेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम, बताता हूं सबको ये क्या हो गया। तीसरा रहता है बेटा आपका कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड बीम, ये तो सबका नाम तो सुना ही होगा बच्चों, ठीक है। और एक और होता है आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट वन इज द फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम, ठीक है बच्चों। और अगर आप देखेंगे ओवरहैंग, जनरल इतनी बीम के बारे में हमको पढ़ना होता है, इस तरह से ओवरहैंगिंग बीम बना रहता है। तो देखिए बेटा कैंटिलीवर बीम पर हमारा क्या रहेगा, एक एंड है क्या रहेगा हमारा, फिक्स्ड रहेगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट सपोर्ट्स बीम पर अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है, क्या डाउट था बेटे मोहित, क्या डाउट था, जो भी बेटा ऐसा कभी बीच में डाउट आएगा ना तो मेरे इंस्टाग्राम ग्रुप पर वहां पर मैसेज डाल दिया करो क्वेश्चन, और डाल दिया करो क्या डाउट है। और बेटा वो एक्सेस वगैरह का तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा क्या कर रहे हो। अगर बाय डायरेक्शन ये बना हुआ है बेटा तो उसके परपेंडिकुलर देख लीजिए, अब आपने क्या लिया है, विड्थ लिया है और लेंथ लिया है, तो वो आ जाएगा, ठीक है। या चेंज इन लेंथ है अगर आप देखेंगे तो बाय एक्सेस के अबाउट क्या होगा, थिकनेस में चेंज तो होगा, बाय एक्सेस के अबाउट चेंज इन थिकनेस। विड्थ में जो चेंज होगा बेटा वो जेड डायरेक्शन के अलोंग होता है, जेड डायरेक्शन के अलोंग अगर देखेंगे तो चेंज इन विड्थ डिवाइड बाय ओरिजिनल विड्थ होता है। समझ रहे, चलिए। तो
हाँ हो सकता है, बाकी गलती हो गया हो, अगर मुझे अभी याद नहीं है बेटा, देखो मैं यहाँ पर अभी कुछ कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ कि मैंने क्या किया था, जो एक्चुअल होता है, जो जनरल होता है वही लिया जाएगा, हो जाता है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो गई। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट सपोर्ट्स, सपोर्ट के बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो बीम को हम क्लासीफाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर एक एंड फिक्स है हमारा, एक एंड एकदम फ्री होता है तो उसको हमने कैंटिलीवर, अगर दोनों एंड हमारे क्या होते हैं, सिंपली सपोर्ट होते हैं, सिंपली सपोर्ट होते हैं तो सिंपली सपोर्टेड बीम, वन एंड फिक्स्ड, वन एंड सपोर्टेड, प्रॉपर कैंटिलीवर बीम, बोथ एंड फिक्स्ड, फिक्स्ड बीम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ओवरहेड बीम। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सपोर्ट अगर आप देखेंगे, ठीक है बेटा, तो पहला होता है सिंपल सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट। अब सिंपल सपोर्ट में बेटा दो तरह से हो सकता है, आपका रोलर सपोर्ट हो सकता है और हिंज सपोर्ट हो सकता है जनरली। दूसरा रहता है आपका फिक्स्ड, और इसको क्या बोलते हैं, विल्ट इन सपोर्ट। ठीक है, तो सिंपल सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट, दो तो टाइप के मेनली सपोर्ट होते हैं। अब बेटा यहां पर अगर हम देखेंगे रोलर आ रहा है या हिंज आ रहा है, वो किस तरह का हम लिए करते हैं और वहां पर किस तरह के नॉर्मल लोड वगैरह आते हैं, वो आपको यहां पर देखना है। ठीक है, अभी साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां पर कई बच्चे क्या रिएक्शन वगैरह में कंफ्यूज हो रहे थे, एक बार आशीष भी बोल रहा था कि सर कुछ रिएक्शन वगैरह वाला पार्ट थोड़ा क्लियर करवा दीजिएगा। तो देखिएगा, रोलर सपोर्ट अगर हम देखेंगे, रोलर सपोर्ट पर किस किस टाइप के रिएक्शंस आएंगे, ये बीम बना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखो सिंपल सी बात होती है, नंबर ऑफ रिएक्शंस, यस बेटा वेरी गुड, एट एनी सपोर्ट, इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मोशन बाय दैट सपोर्ट। उस सपोर्ट के द्वारा कितने मोशन को रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है, जितने मोशन रिस्ट्रिक्टेड होंगे वही वहां पर रिएक्शंस होगी। जैसे अगर बेटा मैं क्या करता हूं, यहां पर अगर मैं हॉरिजेंटल लोड लगाता हूं, हॉरिजेंटल लोड लगाता हूं, क्या ये रोक पाएगा हॉरिजेंटल लोड को, अगर मैं इस पर एक हॉरिजेंटल एक्सियल लोड लगाता हूं बेटा, इस तरह से, तो क्या उसको रोक, उसके मोशन को रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, बिल्कुल नहीं। तो बेटा यहां पर आपका जो हॉरिजेंटल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, जीरो, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या होगा, जीरो। अब बेटा अगर एक हिंज है यहां पर, ये हिंज है अगर यहां पर, और यहां पर अगर मैं मूवमेंट सब्जेक्टेड करता हूं, तो मूवमेंट सब्जेक्टेड होने की वजह से बेटा अगर आप देखेंगे यहां पर जो मूवमेंट रिएक्शन आएगी, क्या ये मूवमेंट को रोक पाएगा, बिल्कुल नहीं, मूवमेंट कोई रेजिस्टेंस नहीं करेगा, तो मूवमेंट रिएक्शन भी यहां पर जीरो। लेकिन बेटा अगर हम देखते हैं यहां पर ट्रांसवर्स लोड लगा हुआ है, सीएल लोड लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, उसका रेजिस्टेंस करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं जाने देगा, यहां से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, तो वही तो रिएक्शन होती है। ठीक है, तो रोलर सपोर्ट पर अगर हम देखें, रोलर सपोर्ट पर अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, एक्सियल लोड, बेंडिंग मूवमेंट एंड टर्निंग मूवमेंट जीरो होता है, इनकी रिएक्शन जो होगी वो जीरो होगी, ओनली शियर फोर्स विल बी नॉट जीरो। ठीक है, शियर फोर्स नॉन जीरो होगा, मतलब यहां पर कुछ ना कुछ इसकी रिएक्शन आएगी, एक्सियल लोड रिएक्शन, बेंडिंग मोमेंट रिएक्शन, टर्निंग मोमेंट रिएक्शन जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये किस पर है, रोलर सपोर्ट। अब अगर मैंने केवल लिया हिंज सपोर्ट, तो इसमें कौन कौन सी रिएक्शन आएंगी बच्चों, बताइए जल्दी से, वर्टिकल रिएक्शन आएगी, बिल्कुल आएगी, वर्टिकल रिएक्शन आएगी,
सूर्यांश थ्री के, थ्री कैसे आ जाएंगे बेटा, एक हॉरिजेंटल रिएक्शन आएगी लेकिन मूवमेंट रिएक्शन क्या होगा यहां पर जी, दो ही तो आएंगे बेटा। बहुत मच्छर काट रहा है आज तो। बेंडिंग वाला मतलब हाँ वो नहीं होगा ना, यहां पर हिंज बना हुआ तो नहीं आएगा। और बेटा अगर मैंने फिक्स सपोर्ट ले लिया, फिक्स सपोर्ट ले लिया तो यहां पर क्या आएगा, एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी, एक हॉरिजेंटल रिएक्शन आएगी और एक मूवमेंट रिएक्शन आएगी, तीनों रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से डिफरेंट सपोर्ट्स पर अलग अलग जो रिएक्शंस इंड्यूस हो सकती थी वो मैंने यहां पर बता। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखेंगे साइन कन्वेंशन। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है साइन कन्वेंशन वाला, सभी बच्चे ध्यान देंगे बेटा। यहां पर शिवम, कुलदीप, मोहित, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से बेटा इसको करेंगे, बिकॉज यहां पर क्या होता है जब आप डायग्राम बनाते हैं ना तो साइन कन्वेंशन बच्चों को क्लियर नहीं रहता है और फिर गड़बड़ हो जाता है। तो साइन कन्वेंशन में अगर हम देखेंगे शियर फोर्स का, ठीक है, शियर फोर्स का अगर हम साइन कन्वेंशन देखेंगे तो अगर हमने कोई क्रॉस सेक्शन लिया इस तरह से और उस पर कोई सेक्शन लिया हमने एक्स एक्स, और इस एक्स एक्स सेक्शन में अगर इसके राइट हैंड साइड में लोड आपका डाउनवर्ड लग रहा है या लेफ्ट हैंड साइड में लोड अपवर्ड लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड लग रहा है और राइट हैंड साइड में डाउनवर्ड लग रहा है, तो हम शियर फोर्स यहां पर लेंगे कैसा, पॉजिटिव। क्लियर बच्चों, मतलब एक क्लॉकवाइज कपल बना रहा है, एक क्लॉकवाइज अगर शियर फोर्स दोनों मिलकर के क्लॉकवाइज कपल बना रहे हैं, ये एक्चुअली यहां पर सब्जेक्टेड होगा यहां पर रिएक्टिव होगा, तो अगर मिलकर के क्या करते हैं क्लॉकवाइज कपल बन रहा है देन शियर फोर्स पॉजिटिव। दूसरा अगर बेटा इसका जस्ट हमने अपोजिट ले लिया, यहां पर अपवर्ड और यहां पर डाउनवर्ड, तो फिर क्या हो जाएगा शियर फोर्स नेगेटिव। अभी बच्चों को लग रहा होगा अरे इतनी छोटी सी चीज, ये तो हमें वैसे ही याद में नहीं रही। शिवम, सौरभ, लग रहा है ऐसे ही? आशीष, सर ने इसमें क्या तोप चीज बता दी। हाँ आगे पता चलेगा, बच्चे सबसे ज्यादा गलती यहीं पर करते हैं। अब देखेंगे बेंडिंग मूवमेंट, किसी क्रॉस सेक्शन के अबाउट अगर बेंडिंग मूवमेंट राइट हैंड साइड में लगा हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट हैंड साइड में अगर लगा हुआ है क्लॉकवाइज, अगर मूवमेंट सब्जेक्टेड है तो यहां पर बेंडिंग मूवमेंट हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव। या फिर बेटा क्या कर रहा है ये जो पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, सैगिंग, सैगिंग। ठीक है बच्चे, और अगर किसी क्रॉस सेक्शन की राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज बना हुआ है मूवमेंट, राइट हैंड साइड में बेंडिंग मूवमेंट क्लॉकवाइज आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो बेंडिंग मूवमेंट आपका हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हाल फिलहाल के लिए नोट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो सब बच्चे कंफ्यूज हो पीछे की तरफ भागेंगे, सब पीछे देखो जरा, समझ रहे बच्चों। तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं जो बच्चे करते हैं, बाकी आपके ऊपर है, अभी कुछ देर बाद पता चल जाएगा। यार मच्छर बहुत काट रहे हैं। चलो बच्चों देखिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक और टर्म क्या हो रहा है, मैंने आज पेज नहीं ऐड किया क्या, यार थोड़ा बच्चों को ज्यादा पढ़ता रहा हूं हम लोगों को। अब देखिए बच्चों साइन कन्वेंशन हो गया हमारा, साइन कन्वेंशन नोट करना है, हाँ कर लीजिए
अरे बच्चों, मैं अभी एक कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहा था, तो वो लोग अभी तक साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। मैंने आज ग्रुप में साइंटिफिक कैलकुलेटर, वर्चुअल कैलकुलेटर के लिए लिंक भेजा था। इसको हॉगिंग कहते हैं बच्चे। तो अभी तक साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, और उनका 2021 का गेट का एग्जाम है, वो फाइनल ईयर में। मैंने आज ऐसी जनरली बात हो रही थी तो पूछने लगे, और एक बच्चा तो मेरे से पता क्या पूछ रहा है, सर ऑनलाइन एग्जाम होगा? मैंने कहा हो गया काम। लोड्स मैंने एक्टिंग ऑन बीम्स। अब डिफरेंट लोड्स की कंडीशन देखेंगे बेटा, बीम पर किस किस टाइप के लोड सब्जेक्टेड होते हैं। हद हो गई ना बेटा सूर्यांश, मैं भी वही सोच रहा था। गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों की हालत है बताइए। और फिर ये बच्चे आते हैं 3-4 साल गेट के लिए संघर्ष करते हैं। अरे मजाक नहीं, सच बता रहा हूं बेटा कुलदीप, सच बता रहा हूं। उन्हें मैंने कैलकुलेटर की आज लिंक भेजी, तब जाकर के उन्होंने कैलकुलेटर डाउनलोड किया, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि कैलकुलेटर वर्चुअल मिलता है वहां पर। चलिए बच्चों, अब मुझे नहीं पता यार, डब्लू क्यों उन लोगों को क्यों नहीं पता। डब्लू बेटा लोड, अगर हाँ देखेंगे देखो बच्चों, अब डिफरेंट टाइप्स के लोडिंग, डिफरेंट टाइप्स की लोडिंग कंडीशन को देखना है। तो ये हमारा कैसा लोड लगा है, पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट या कॉन्सेंट्रेटेड लोड, पॉइंट लोड और कॉन्सेंट्रेटेड। ये बेटा जो बना हुआ है, दिस इज अ पॉइंट मूवमेंट, ए और ए, ये दोनों जो बेटा कंडीशन है, दिस दीज आर द पॉइंट मूवमेंट्स। पॉइंट मूवमेंट्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, पॉइंट मूवमेंट। और ये जो बना हुआ है और ये दोनों हमारा कैसा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यानी बेटा हमारा देखेंगे लोड यहां पर कैसा रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। एक और अगर यहां पर देखेंगे पॉइंट मूवमेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट आपका रहेगा वहां पर मूवमेंट सब्जेक्टेड हो रहा होगा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का, यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड। सूर्यांश एक पॉइंट रहेगा पर्टिकुलर, जैसे देखिएगा ये बीम है, ये बीम है, और बीम पर यहां पर कोई एक फ्रेम लगा हुआ है इस तरह से, और इस फ्रेम पर एक लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक लोड इस डायरेक्शन में लग रहा है, वो भी सेम मैग्नीट्यूड का। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो P इंटू इनके बीच का जो डिस्टेंस है E, इतने मैग्नीट्यूड का एक कांस्टेंट लोड लगा हुआ, पॉइंट पॉइंट मूवमेंट बना हुआ है, वो भी कैसा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा हुआ, P इंटू E, कपल। हाँ बिल्कुल आशीष भाई, कपल ही है, ठीक है, यही रहता है। एक और रहता है बेटा इसके अलावा आपका यूवीएल, तो समझते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। लोड यहां पर आपका क्या करता जाएगा, वेरी करता जाएगा, ठीक है। एक और रहता है बच्चों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, यूडीएम, यस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये डिफरेंट लोडिंग कंडीशन पढ़नी है हमको ऑन द डिफरेंट बीम्स। डिफरेंट बीम्स देख ली, डिफरेंट लोडिंग कंडीशन देख ली, अब इनको हमको डिटेल से पढ़ना है। स्टार्ट करें बच्चों, कहाँ है बाकी बच्चे, रोहित, सौरभ, ये क्यों नहीं आया, प्रदीप, प्रदीप क्यों नहीं आया? फिर बोलेगा सर मुझे कल का बता दो, मैं कल आया नहीं था। रामा कृष्ण किसका मित्र है ये, प्रदीप
मैसेज डालोगे बेटा आ जाओ। एसएफडी बीएमडी वाला पार्ट अगले आपके चार टॉपिक के लिए बेस बन रहा है, अगले चार टॉपिक के लिए। एक तो एसएफडी बीएमडी हो जाएगा, नेक्स्ट बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स, बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, सियर स्ट्रेसेस इन बीम, डिफ्लेक्शन इन बीम, ठीक है बच्चों। हाँ चलेगा, यहां से स्टार्ट करें। जनरली एक बहुत सिंपल सा कैंटिलीवर बीम है इस तरह से, ए और बी। एक यहां पर लोड लगा है ट्रांसवर्स शियर लोड पी, कोई सेक्शन हम एक्स एक्स लेंगे तो शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स क्या होगा बच्चों? किसी भी शियर फोर्स सेक्शन पर अगर हम लेंगे तो क्या होगा शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड? P, भाई जितना लोड लग रहा है ना भाई तो कांस्टेंट रहेगा, और P वो भी कैसा मैग्नीट्यूड का, कांस्टेंट रहेगा ये P आपका कांस्टेंट रहेगा। तो अब अगर आप बेटा B पॉइंट पर निकाले या A पॉइंट पर निकाले, किसी भी पॉइंट पर निकाले, और देखिएगा अगर आप यहां से करना चाहते, कई बच्चे यहां से करते हैं, तो यहां पर बेटा एक रिएक्शन आ रहा होगा आर वी पी मैग्नीट्यूड का, पी लगा है टोटल रिएक्शन, तो ये कैसा लग रहा है अपवर्ड, तो ये भी कैसा रहेगा पॉजिटिव, ये भी कैसा रहेगा पॉजिटिव, और इन दोनों लोड के बीच में कोई और लोड नहीं है तो हम क्या करेंगे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, ठीक बेटा। तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का पी शियर फोर्स डायग्राम यहां से आपका बन गया, बहुत ही आसान, ठीक है बच्चों। अब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं, अगर हम बेंडिंग मूवमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स पर क्या होगा बच्चों? यहां से डिस्टेंस अगर मैंने एक्स ले ली तो बेंडिंग मूवमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स पर क्या होगा? सूर्यांश विद साइन पॉजिटिव नेगेटिव, सभी बच्चे बताएंगे। सौरभ, कुलदीप, मोहित, नेगेटिव, यस, इट विल बी माइनस पी इंटू एक्स। अब अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी पर निकालता हूं, बी पर, तो बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा? जीरो। और बेंडिंग मूवमेंट एट ए पर निकालता हूं तो क्या हो जाएगा? माइनस पी इंटू एल, बिकॉज यहां पर एक्स क्या है मेरा? जीरो, यहां पर एक्स एल के बराबर। तो अगर बेटा मैं इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाता हूं, जीरो यहां पर और यहां पर हो गया माइनस पी एल, कैसे मिलेंगे ये दोनों पॉइंट, कैसा कर्व होगा बेटा? यस, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ये माइनस और ये बन गया बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। तो ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या बता रहा है? बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम यहां पर बता रहा है कि बेटा फ्री एंड पर बेंडिंग मूवमेंट आपका जीरो है और कॉन्टिन्यूसली बेंडिंग मूवमेंट बढ़ता हुआ जा रहा है और जाकर के फिक्स्ड एंड पर बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, ठीक है। हाँ, फर्स्ट इक्वेशन से, इक्वेशन से, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है, शियर फोर्स डायग्राम क्या बताता है, कि शियर फोर्स पूरी बीम में कांस्टेंट लगा हुआ है जबकि बेंडिंग मूवमेंट इस प्रकार से वेरी करती हुई जा रहा है और फिक्स्ड एंड पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है। क्लियर बच्चों? तो बस ये क्वेश्चन यहां तक चलेगा, इस क्वेश्चन को करके बताएंगे। मैं पूछूंगा क्विकली बताएंगे, शियर फोर्स एट डी पॉइंट पर कितना होगा? विथ साइन का ध्यान रखोगे, शियर फोर्स एट पॉइंट डी पर कितना होगा बच्चों? एट हंड्रेड, वेरी गुड योगेश, माइनस 800। देखो ये योगेश, अब माइनस क्यों रहेगा आशीष? अभी बेटा साइन कन्वेंशन बता हुआ मुझे, मतलब 10 मिनट से ज्यादा नहीं हुए, राइट साइड पर है तो पॉजिटिव रहेगा बिल्कुल बेटा, क्या रहेगा 800 बिल्कुल बच्चों। तो देखिएगा मैं क्या करूंगा, यहां से 800 वर्टिकल, हाँ मूवमेंट नहीं है आशीष बिल्कुल, 800। अब डी से लेकर के सी तक इसका मैग्नीट्यूड कैसा है बेटा? कांस्टेंट है। अब अगर मैं पूछता हूं बेटा शियर फोर्स एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा,
शियर फोर्स एट पॉइंट सी कितना होगा बच्चों? 500, 1300 भाई, 800 तो यहां से आता ऑलरेडी आई क्या है, 500 का और डाउनवर्ड लग रहा है, तो 800 प्लस 500 इट विल बी 1300। क्या नहीं समझ आ रहा बेटा आशीष? क्या नहीं समझ आ रहा बताओ? सेक्शन वाइज लो, यहां पर अगर मैंने कोई सेक्शन लिया, हाँ हाँ प्लेन से हो जाएगा, यहां पर मैंने सेक्शन लिया एक्स एक्स कोई भी, और पर लोड सब्जेक्ट हो रहा है 800 न्यूटन का। हाँ बेटा आप यहां से कर लीजिएगा, कई बच्चे यहां से करते हैं, ये पॉइंट से सेम ही आएगा। दोनों साइड से बेटा शियर फोर्स भी इक्वल आएगा और बेंडिंग मोमेंट भी इक्वल आएगा, वो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ना, गेम हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा बेटा। तो आशीष यहां पर एक प्लेन लिया आपने, कोई भी सेक्शन लिया, और उस सेक्शन पर अगर आप देखेंगे तो सेक्शन के राइट हैंड साइड में कितना लोड सब्जेक्ट हो रहा है, 800 न्यूटन का, सिंपल से लग रहा है भाई। अरे सिंपल से देखिएगा, 800 न्यूटन का लोड लग रहा है डी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर लग रहा है, लगा दिया हमने। अब यहां से ज्यादा कोई लोड नहीं लग रहा है तो कॉन्स्टेंट आ जाए, ठीक है बच्चे। यहां से यहां तक आ गए, यहां तक कितना था 800, यहां पर कितना पहुंच गया 1300, मतलब ये वर्टिकल लाइन कितने की बनी हुई है 500 की। अब शियर फोर्स एट बी पर कितना होगा बच्चों? क्योंकि सी से बी तक मैं कांस्टेंट जाऊंगा, सी से बी तक मैं कांस्टेंट जाऊंगा, यानी बी पॉइंट पर इन दोनों लोड का इफेक्ट कितना होगा 1300 का तो लग ही रहा होगा, और बी पर भी अगर आप लगाएंगे तो 300 का और बढ़ा दीजिएगा, तो कितना हो गया 1600। हो गया 1600, यहां से यहां तक जाइए आप कॉन्स्टेंट। और यहां पर कितना हो गया आपका 1600। अब देखिए बेटा आशीष, नहीं हाँ मतलब देखिएगा, ये पॉइंट पर जो लोड आ रहा होगा ना, अगर वर्टिकल रिएक्शन देखेंगे, वर्टिकल रिएक्शन आ रही होगी तो वो वर्टिकल रिएक्शन यहां पर मिल जाएगी, हाँ लिखता हूं बेटा बिल्कुल मोहित। देखो ए पर मुझे बताओगे मोहित, आप बताओगे एक पर रिएक्टिव वर्टिकल रिएक्शन कितना आ रहा होगा, ए पर वर्टिकल रिएक्शन जो रिएक्शन आ रही होगी बेटा वो कितनी आ रही होगी मोहित? 1600 आ रही है, क्योंकि सभी का लोड का हो जाएगा, 1600 आ रही है, 1600 तो 1600 आ रही थी बेटा, यहां पर 1600 आ रही, तो यहां से बी तक मैं कैसे जाऊंगा कॉन्स्टेंट जाऊंगा, 1600 यहां से बी तक कॉन्स्टेंट गया। अब बी पर बेटा क्या हो रहा था, बी पर लोड लग रहा था डाउनवर्ड, बी पर लोड लग रहा था आपका डाउनवर्ड, ठीक है बच्चे। तो अब देखिएगा मैं क्या लूंगा सेक्शन, इस तरह से ये सेक्शन लिया था मैंने, अब यहां पर लूंगा इस प्रकार से सेक्शन, तो इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है 1600, और डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है 300, माइनस हो जाएगा तो 1600 माइनस 300 तो 1300 आ गए। अब और आगे बढ़ के आइए, और आगे बढ़ करके आएंगे तो यहां से यहां तक कॉन्स्टेंट रहेगा 1300। अब यहां पर एक सेक्शन लेंगे हम, तो उस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में लोड कैसा लगा होगा डाउनवर्ड, तो माइनस 500 माइनस हो जाएगा फिर से 800 आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा यहां पर अगर आप बच्चों मैं बोलता हूं बी पॉइंट ऐसे सी पॉइंट पर, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है जो आशीष बोल रहे हैं ना प्लेन वाइज, बिल्कुल देखिए बेटा, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो बीम है ना वो तीन मेंबर से मिलकर बनी है, ए बी बी सी एंड सी डी, ए बी बी सी एंड सी डी, ठीक है बच्चे। अब अगर मैं बात करता हूं सी पॉइंट की, सी पॉइंट की बात करता हूं, तो सी पॉइंट क्या है, बीसी का भी पार्ट है और सी डी का भी पार्ट है। जब बेटा बीसी का पार्ट है, जब बीसी का पार्ट है तो इस पर लोड कितना आ रहा है 1300, जब बीसी का पार्ट है तो लोड कितना आ रहा है 1300, और जब सी डी का पार्ट है तब लोड कितना आ रहा है 800। मतलब बेटा एक ही प्लेन पर अगर आप देखेंगे एक ही पॉइंट पर दो दो लोड सब्जेक्टेड हो रहे हैं। सी मेंबर को अगर हम बीसी सेक्शन मिलेंगे, देखिएगा ये शियर फोर्स डायग्राम आपका क्या बता रहा है, शियर फोर्स डायग्राम बता रहा है बेटा कि बीसी मेंबर में जो लोड है वो कितना लगा हुआ है 1300,
बीसी मेंबर में लोड लगा है, इस कॉन्स्टेंट क्या बता रहा है कि 1300 का कॉन्स्टेंट लोड रखा हुआ है बीसी मेंबर में। बट सीडी मेंबर क्या बता रहा है, सीडी मेंबर बता रहा है कि सीडी मेंबर में 800 का कॉन्स्टेंट लोड लगा हुआ है, तो वही 500 अचानक कहां से बढ़ गया, वो सी प्लेन पर बढ़ गया। समझ में आया बच्चों? तो अगर मैं पूछता हूं कि बीसी मेंबर में कितना मैक्सिमम लोड आ रहा है, तो बीसी मेंबर में आ रहा है 1300, सीडी मेंबर मैक्सिमम लोड 800, ठीक है, एबी मेंबर मैक्सिमम लोड 1600, खत्म बस। तो यहां से हम क्या करते हैं, सभी सेक्शन पर अलग अलग लोड निकालना हम सीखते हैं, तो हमने यहां पर सीख लिया। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़े, कहीं से भी आ जाइए, राइट साइड से आ जाइए, लेफ्ट साइड से आ जाइए, जो जैसे करता है वैसे करते चलिएगा, ठीक है, ओके बच्चों। अब निकालना है इसका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बच्चों। अब अगर मैं पूछता हूं, देखिएगा सेक्शन पर तो नहीं लूंगा मैं यहां से डिस्टेंस, अगर मैं डी पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट पूछता हूं, तो सेक्शन पर अगर मैं लेता हूं बेंडिंग मूवमेंट एट एनी सेक्शन एक्स एक्स, तो कितना हो जाएगा, माइनस 800 इंटू एक्स, ठीक है। अब अगर मैंने पूछा बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट डी, डी पर कितना होगा बच्चों, मैं पॉइंट वाइज करवा देता हूं, डी पर कितना होगा बेंडिंग मूवमेंट, वेरी गुड, जीरो, बिकॉज एक्स इज जीरो, बहुत अच्छे बच्चों, तो डी पर बेंडिंग मूवमेंट हुआ आपका जीरो। अब अगर बच्चों मैं पूछता हूं बेंडिंग मूवमेंट एट सी, सी पर बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा, सौरभ, कुलदीप, रामकृष्ण, कितना होगा, यस, विद साइन की बेटा, योगेश, विद साइन की, माइनस 640 न्यूटन मीटर। तो यहां पर आपका हो गया कहीं 640, और इसको मिलाऊंगा कैसे बच्चों, वाई स्ट्रेट लाइन, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं पूछता हूं बेंडिंग मूवमेंट एट बी, बी पर बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा, बता सकते हैं, बी पर बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा बता सकते हैं, 1200, नहीं सूर्यांश गलत निकाला बच्चे, मोहित गलत निकला, आशीष गलत निकला बेटा, बी पर बॉन्डिंग बेंडिंग मूवमेंट नहीं निकाल पा रहे, शिवम गलत है बच्चे, यस रामकृष्ण दिस इज द राइट आंसर, 1550 आएगा बिल्कुल। देखिए बच्चों बी पॉइंट पर मूवमेंट निकालना है, तो बी पॉइंट पर किस किस का मूवमेंट आएगा बेटा, एक 500 का लोड लगा है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एक 800 का लोड लगा है और इसका यहां से तक, यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 800 इंटू 1.5, 800 इंटू 1.5, 1450 नहीं बेटा 1550 आएगा, सूर्यांश अभी भी गलत कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा, माइनस 800 इंटू 1.5, ठीक है बच्चों। और बेंडिंग मूवमेंट कैसा आ रहा, हॉगिंग हो रहा है, और 500 का लगा है, 500 इंटू 0.7, माइनस 500 इंटू 0.7, तो बेटा बेंडिंग मूवमेंट एट बी पर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों यहां पर 1200, तो हो जाएगा 1550। लेफ्ट से लिखे, तो लेफ्ट से मुझे सबसे पहले आप बेटा यहां पर मूवमेंट रिएक्शन कितना आ रहा है वो निकाल के बता दीजिए एट ए, मोहित एक बार मूवमेंट रिएक्शन निकाल के बता दीजिए आप कितना आ रहा है, मूवमेंट रिएक्शन बता दीजिए मुझे, यहां पर लिख दीजिए फिर मैं बताता हूं लेफ्ट से। मूवमेंट रिएक्शन भी तो आएगी मोहित, केवल वर्टिकल लोड नहीं, मूवमेंट रिएक्शन नहीं आएगी ये करें भाई, मैंने क्या बताया था देखो, अब आप लोगों को बताना फिक्स्ड एंड पर क्या आता है, मूवमेंट रिएक्शन भी आती है और वर्टिकल लोड आएगा, यस आशीष
मूवमेंट रिएक्शन आएगी 1350, या फिर मैं पूछूं अभी यहां पर कि बेंडिंग मूवमेंट एट ए पर कितना आएगा, बेंडिंग मूवमेंट एट ए पर कितना आएगा, तो 800 इंटू ए वाली डिस्टेंस, 500 इंटू ए वाली डिस्टेंस और 300 इंटू ए वाली डिस्टेंस। बिल्कुल बहुत अच्छे, यानी माइनस 800 इंटू 2 माइनस 500 इंटू 1.2 माइनस 300 इंटू 0.5, ये आप करोगे बेटा यहां से तो 2350 निकल आएगा माइनस न्यूटन मीटर। मोहित बेटा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो बेटा, आप केवल लोड से निकालना इसलिए गलत कर रहे हैं आप, और मैं बताता हूं जो आपका कंफ्यूजन है वो मैं बताता हूं, बस सीखने की कोशिश करिएगा। देखो अब आता हूं मैं लेफ्ट से, राइट से मत करिए, तो वही मूवमेंट रिएक्शन तो निकालोगे ना, कि मूवमेंट रिएक्शन कितनी आ रही है। मोहित मूवमेंट रिएक्शन तो निकालोगे, तो मूवमेंट रिएक्शन निकालोगे तो मूवमेंट रिएक्शन तो क्या होगा, सभी का मल्टीप्लाई करना होगा लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। तो ये जो मूवमेंट आ रहा है इन सबकी वजह से जो मूवमेंट आ रहा है बेटा, वो मूवमेंट कैसा आ रहा है, इस तरह से क्लॉकवाइज। तो यहां पर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सब्जेक्टेड हो रहा होगा इक्वल मैग्नीट्यूड का, वही तो मूवमेंट रिएक्शन होता है, जो इनका इफेक्ट आ रहा है उसी का इक्वल एंड अपोजिट। तो यहां पर इक्वल एंड अपोजिट 2350 का मूवमेंट लग रहा होगा, और किसी क्रॉस सेक्शन के बेटा अगर मैंने देखा था राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में अगर क्या हो रहा होता है मूवमेंट लग रहा है, तो उसको मैं क्या लेता हूं नेगेटिव, तो मूवमेंट रिएक्शन 2350 आएगी, तो 2350 को मैं यहां पर लिख दूंगा और कर दूंगा। अब बेटा बी पॉइंट पर निकालना था ना आपको मूवमेंट एट बी, तो यहां से कैसे निकालूंगा मैं, माइनस 2350 प्लस, ये क्या कर रहा होगा अपवर्ड ले जा रहा होगा, सैगिंग कर रहा होगा, प्लस 1600 इंटू 0.5। अब निकाल लो जरा बेटा, माइनस 1550 आ जाएगा। समझ गए मोहित, कुलदीप बेटा ट्रायंगल इसलिए रहता है क्योंकि यहां पर 800 इंटू एक्स है, 800 इंटू एक्स है, समझ रहे। तो किसकी इक्वेशन है, वेरिएबल जो टर्म निकाला वो किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं, तो दो पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे, स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो ये अपने आप ट्रायंगल आ जाए, ये तो वर्टिकल आ ही रहा है, स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो ये ट्रायंगल बन जाता है। ये जो लेफ्ट हैंड वाले थे बच्चे सभी को क्लियर हो गया, अरे बेटर है कि भाई राइट हैंड से बनाते हुए चलिएगा, पहले आप पूरा यहां पर निकालोगे फिर उल्टा सीधा करोगे फिर ऐसे आओगे, अरे बेटर है कि यहीं से स्टार्ट करिए और बनाते हुए चले जाइएगा। यस समझ रहे हैं बच्चों, थोड़ा तरीका सुधारिएगा नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा, मैं बहुत तरीका बता रहा हूं जिससे, अरे लेफ्ट हैंड का कुछ नहीं बताया था, कुछ यहां से स्टार्ट करते हैं, कई लोग यहां से स्टार्ट करते हैं और इस तरफ की इसकी तरफ मूव करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे और इस तरफ की तरफ मूव करेंगे। हाँ राइट हैंड बेटर है, बिल्कुल बेटा, मैं बहुत तरीका बताऊंगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा चेंज करने में, ये वंस चेंज कर लोगे चीजें आसान हो जाएगी। ये बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बन गया। अब बेटा इसके पहले पॉइंट लोड का क्लियर हो गया सभी को, अब मैं बताऊंगा बेटा पॉइंट मूवमेंट का, यहां पर एक पॉइंट मूवमेंट लगा हुआ है, एक पॉइंट मूवमेंट लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं यहां पर लेता हूं कोई सेक्शन एक्स एक्स और यहां से डिस्टेंस लेता हूं एक्स, तो अगर मैं पूछता हूं बच्चों शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स विल बी इक्वल टू, क्या होगा, शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स विल बी इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एक्स, बिल्कुल नहीं, और बताइए बच्चों, एम डिवाइडेड बाय एक्स करोगे तो उसकी यूनिट क्या बन रही है, जरा यूनिट निकालो इसका,
न्यूट्रल निकलने निकल के आ रही है। लेकिन वो तो शियर फोर्स नहीं होता। हाँ यूनिट तो निकल रही सही, एम डिवाइड। लेकिन एम डिवाइड शियर फोर्स लगा ही नहीं, कोई शियर फोर्स ही नहीं है भैया। क्या लगा है? कांस्टेंट मूवमेंट लगा हुआ है। यहां पर कोई शियर फोर्स नहीं लगा है, यहां पर है कांस्टेंट बेंडिंग मूवमेंट या प्योर बेंडिंग, देयर इज नो शियर फोर्स, इट विल बी जीरो। एक्चुअली देखिए बेटा क्या होता है, ये होता है शियर फोर्स। हाँ, बता रहे हैं बेटा, बिल्कुल भाई बता रहे हैं कि बेंडिंग मोमेंट का जो डिफरेंशिएशन आप करेंगे दैट्स बिकम इक्वल टू शियर फोर्स। एनी वन लोअर ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो वो शियर फोर्स होता है। और चूंकि यहां पर बेंडिंग मोमेंट के जो वैल्यू दे रखा है बेटा, वो कैसा दे रखा है? कॉन्स्टेंट दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है। तो जब इसकी वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है, ये कांस्टेंट, तो शियर फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप होता है वही शियर फोर्स होता है बच्चों। बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप है दैट इज शियर फोर्स। क्लियर है बच्चों? या फिर बेंडिंग मोमेंट अगर मुझे निकालना है तो बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द शियर फोर्स इन बिटवीन द पॉइंट। ठीक है, जिन पॉइंट्स के बीच में बेंडिंग मोमेंट दे रखा है आपको, यहां पर टोटल बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना होगा ए से बी, तो बेटा वो क्या हो जाएगा? इक्वल टू द एरिया ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम। द स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स। जो बेंडिंग मोमेंट कर्व बनेगा ना, उसका जो स्लोप होता है बेटा वो शियर फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो बेटा यहां से अगर हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो बेंडिंग मोमेंट को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे उन दोनों पॉइंट्स के। तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो बेंडिंग मोमेंट होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू द शियर फोर्स एरिया ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम। आशीष क्लियर बच्चे? चूंकि बेंडिंग मोमेंट यहां पर आपको कैसा दे रखा है? कॉन्स्टेंट दे रखा है। जब बेंडिंग मोमेंट कॉन्स्टेंट दे रखा है तो शियर फोर्स किसी भी सेक्शन पर आपका क्या होगा? जीरो। ये क्या है? बेंडिंग मोमेंट का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा उसका क्या है? स्लोप है। उसका स्लोप बेटा क्या होता है? इक्वल टू शियर फोर्स होता है। अब ये तो आप ही बता दो बेटा किसकी वजह से क्या आएगा। आशीष इतना तो आप भी पढ़ चुके हैं, शियर फोर्स की वजह से बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस होता है। शियर फोर्स की वजह से बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस होता है, बिल्कुल। क्या बेटा शियर फोर्स रिपीट कर दो? अरे बेटा केवल शियर फोर्स की वजह से ही बेंडिंग मोमेंट नहीं आ सकता है, केवल शियर फोर्स की वजह से ही बेंडिंग मोमेंट नहीं आ सकता है। मैं बताया था ना, यहां पर एक फ्रेम बना है, सपोज यहां पर एक फ्रेम बना है, ये लोड लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेट, एक कपल बन रहा है ना, एक कपल बन रहा है, कपल बन रहा है, तो कपल का मैग्नीट्यूड बेटा यहां से हो सकता है ना पी इंटू ई, तो जरूर थोड़ी कि शेयर फोर्स से ही हो। एक एक्चुअली में क्या लगा है बेटा, एक कपल लगा हुआ है आपका। जो कपल है वो कपल कैसा है? बेंडिंग कपल। बेंडिंग कपल आ रहा है, तो बेंडिंग कपल चूंकि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का लगा हुआ है तो शेयर फोर्स आपका सिंपल से क्या होने वाला? जीरो। क्लियर है आशीष की? कोई कंफ्यूजन है अभी भी? पॉइंट मूवमेंट या पॉइंट कपल लगा हुआ बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? सूर्यांश
और जो स्लोप बनता है बेटा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, वो इक्वल टू शियर फोर्स होता है। शियर फोर्स की वजह से बेंडिंग मोमेंट बिल्कुल इंड्यूस होता है, तो शियर फोर्स डायग्राम जो बनेगा ना उसका जो एरिया होगा उन बिटवीन पॉइंट्स वो बेंडिंग मोमेंट के बराबर निकल करके आता है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स की वजह से इंड्यूस हो रहा है। समझ रहे हैं? तो यहां पर अगर क्रॉस सेक्शन देखें, हाँ बेटा एरिया के अलोंग वाला, बस एरिया के अलोंग वाला आशीष, वो आपको क्रॉस सेक्शन देखना है कि जो लोड लगा हुआ है और क्रॉस सेक्शन, उस लोड को आप किस क्रॉस सेक्शन के अलोंग देख रहे हैं, उस लोड को आप किस क्रॉस सेक्शन के अलोंग, ठीक है बच्चा, उस लोड को किस क्रॉस सेक्शन के अलोंग देख रहे हैं, वहां से होता है। ठीक है बेटा, वहां से होता है। तो यहां पर जो कपल आ रहा है बेटा, कपल जो आ रहा है यहां पर, वो हो सकता है किस प्रकार के लोड लगे हो, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार के लोड लगे हैं तभी यहां पर जाकर के पॉइंट कपल आपका जनरेट होगा। तो ये जो पॉइंट है बेटा, इस क्रॉस सेक्शन के अबाउट क्या से नॉर्मल लोड है, नॉर्मल लोड है, तो शियर फोर्स की वैल्यू क्या हुई, जीरो। ये लोड अगर हम देखेंगे, ये लोड इस क्रॉस सेक्शन कैसे नॉर्मल है, तो यहां पर शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, कोई शियर फोर्स नहीं आ रहा है, एक्सियल लोड की वजह से मूवमेंट आ रहा है। सूर्यांश, चलिए, तो बेटा यहां पर शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, कोई शियर फोर्स नहीं है पूरे सेक्शन में, तो जहां पर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट लगा होता है बेटा वहां पर शियर फोर्स क्या होता है, जीरो। तो एसएफडी आपका, अच्छा अगर हम मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने को बोलता हूं बच्चों, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, सूर्यांश बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, रेक्टेंगल, बिल्कुल। यहां पर एक पॉइंट मूवमेंट लगा हुआ है, पॉइंट मूवमेंट लगा हुआ है, तो पॉइंट मूवमेंट का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि पॉइंट मूवमेंट आपका क्या कर रहा है, हॉगिंग कर रहा है, पॉइंट मूवमेंट। यहां पर रिएक्शन आ रहा होगा इक्विवेलेंट अपोजिट मैग्नीट्यूड का, और इन दोनों को हम मिला दें माइनस, ये हमारा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। यहां से बच्चों एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जहां पर भी पॉइंट मूवमेंट सब्जेक्टेड होता है ना, तो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बेटा क्या आता है, वर्टिकल लाइन आती है, वर्टिकल लाइन आती है, जैसे ठीक है, तो यहां पर फिक्स्ड एंड पर लगा हुआ है, तो फिक्स्ड एंड पर पॉइंट मूवमेंट ही तो आ रहा है, मूवमेंट रिएक्शन, तो देखिए वर्टिकल लाइन, यहां पर भी एक वर्टिकल लाइन, और इस प्रकार से हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज का ध्यान रखना, अभी स्लोप वाला टर्म आएगा तो ये वाला बहुत काम आएगा हमारे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आया हमारा, इस क्वेश्चन में बच्चों बनाए इसका एसएफडी, बनाए शियर फोर्स डायग्राम, तो शियर फोर्स एट ई पर कितना होगा, बताइए बच्चों जल्दी, अब कहां गायब हो गए, 3p प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, देखिएगा सभी गुड, माइनस 3, वेरी गुड, यहां पर शियर फोर्स डायग्राम बनेगा माइनस 3p, लाइन से नीचे तो अपने आप माइनस होगा। शियर फोर्स एट d पर कितना होगा बच्चों, p नहीं सौरभ, पी नहीं, माइनस 3p प्लस 2p, माइनस पी होगा, तो माइनस पी होगा। अब बेटा सी पर कितना होगा शियर फोर्स, शियर फोर्स एट पॉइंट सी पर कितना होगा, माइनस पी बेटा, क्योंकि D से लेकर के B तक कोई भी शियर फोर्स नहीं है, तो जो यहां पर शियर फोर्स है वो पूरा कांस्टेंट रहने वाला है पूरे BD पोर्शन में, तो यहां पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। B पर कितना हो जाएगा बच्चों शियर फोर्स, जीरो, वेरी गुड, तो ये जीरो। इस तरह से हमारा शियर फोर्स डायग्राम बन, ठीक है बच्चों। अब आएंगे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पर,
ए पर कोई कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगी, जीरो होगी, कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं, लोड यहीं पर कट फिट गए ना, कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आ रही। अब बेटा मैं बात करूंगा बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ई, कितना होगा बच्चों एट पॉइंट ई पर बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा? जीरो। भाई ई पर वर्टिकल लोड लगा हुआ है तो ऑब्वियसली क्या होना है? जीरो। बेंडिंग मूवमेंट एट डी पर? डी पर कितना होगा? थ्री पी एल। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा थ्री पी एल प्लस थ्री पी एल। अच्छा बच्चों, अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट एट सी पर पूछता हूं, सी पर बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा बच्चों? जीरो। कैसे? नाइन पी एल। सूर्यांश तुम कैसे गलती कर रहे हो बेटा? मोहित नहीं, हाँ थ्री पी एल सिक्स माइनस नहीं होगा, पी एल भी नहीं होगा बेटा। आशीष फाइव पी एल भी नहीं होगा। सौरभ गलत, शिवम टू पी एल भी गलत है, एट पी एल भी गलत है, तुक्के दे रहे हैं क्या? क्यों बेटा सूर्यांश ऐसे लग रहा है मुझे? यस फोर इज द राइट आंसर। इतना सोच के दे रहे हो कि एट आ जा रहा है, बताइए एट तो वैसे ही नहीं आना है। फोर पी एल इज द राइट आंसर, वेरी गुड। देखिए थ्री पी इंटू टू एल, थ्री पी इंटू टू एल कैसा? पॉजिटिव। थ्री पी इंटू टू एल सेकेंड हो रहा है। अरे एरो कौन देखेगा? ये अपवर्ड लग रहा है ना, ये डाउनवर्ड लग रहा है, और क्या हो जाएगा? 2p into l माइनस 2p into l। तो बेंडिंग मूवमेंट एट c पर क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 हो जाएगा 4pl। हो जाएगा बच्चों e पर, ये पर्टिकुलर पॉइंट में लोड तो सब्जेक्टेड हो रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं है ना, एक्स जीरो है अपना। आप यहां पर सेक्शन ले लीजिएगा इस तरह से, कितना हो जाएगा? थ्री पी एक्स, और एक्स इक्वल टू क्या है? जीरो। सेक्शन एक्स एक्स पर बेंडिंग मूवमेंट जब ई पर आएगा तो एक्स क्या हो गया? जीरो। अब देखेंगे तो यहां पर बेटा कितना आ चुका है आपका? जो लोड्स की वजह से आया बच्चों वो इतना आ गया। अब सी पर एक पॉइंट मूवमेंट लगा हुआ है, पॉइंट मूवमेंट लगा बेटा तो क्या होगा? एक वर्टिकल लाइन आएगी, वो वर्टिकल लाइन अपवर्ड जाएगी या डाउनवर्ड? सूर्यांश सौरभ यस, क्योंकि ये क्या कर रहा है? हॉगिंग कर रहा है। बिल्कुल बच्चों, अगर ये हॉगिंग कर रहा है तो हमारी वर्टिकल लाइन तो जाने तो वाली, यहां पर वर्टिकल लाइन तो होने वाली बट डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जाएगी। बिल्कुल वर्टिकल लाइन आएगी लेकिन डाउनवर्ड जाएगी। तो यहां पर कितना हो गया? 4PL, और यहां पर फिर से 3PL। अब निकालूंगा मैं बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर बताइए बेटा मूवमेंट कितना आ रहा है? वेरी गुड सर, बी पॉइंट पर भी हमारा निकालिएगा सभी लोग आ रहा है 4PL, 4PL बहुत अच्छे, वेरी गुड स्टूडेंट्स, 4PL आएगा। और ए पॉइंट पर
बी पॉइंट पर निकालिए पहले सभी लोग। सौरभ 3 PL नहीं आएगा बेटा, -4 PL नहीं आएगा आशीष। यस सॉरी यस वेरी गुड, 4 PL आएगा यहां पर भी 4 PL। हो गया ना सही, वेरी गुड। अब देखिएगा मैं एक चीज और बता दूं, यही होता है, यही होता है। तो बेटा देखिएगा शियर फोर्स अगर आप देखेंगे इन सेक्शन ए बी, शियर फोर्स का वैल्यू क्या है? जीरो। शियर फोर्स इज जीरो, देयरफॉर स्लोप इज जीरो। स्लोप आपका क्या रहने वाला है? जीरो। क्लियर बच्चों? और अगर आप देखेंगे बी से लेकर के डी तक, बी से लेकर के डी तक शियर फोर्स आपका कैसा है? कांस्टेंट। बी से लेकर के डी तक शियर फोर्स कैसा है? कांस्टेंट। तो यहां पर बेटा बेंडिंग मूवमेंट कैसा रहेगा? देखिएगा ए बी 3 to 4 जा रहा है और ए बी 3 to 4 जा रहा है, तो पूरा यहां से ये बी पॉइंट है अपना, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट। तो बी से डी तक अगर हम स्लोप देखेंगे तो बेटा कैसा है? कांस्टेंट है, और यहां तो बढ़ी रहा था। तो इस प्रकार से बेटा हम पर देखेंगे कि जहां पर शियर फोर्स जीरो है उनको सोचना भी नहीं है। ऐसे एक बच्चे ने निकाला था, सौरभ ने अभी दी आंसर -3 PL, मैंने तुरंत बोल दिया बेटा ये गलत है, बिकॉज मुझे पता है कि जब यहां पर शियर फोर्स जीरो है तो जो बेंडिंग मूवमेंट यहां पर आया वही बेंडिंग मूवमेंट हमारा यहां पर आना है। -4 PL कैसे आ रहा है यार आशीष सर, ये पर निकाल रहे हो ना बेटा, ये पर निकालना, देखो जरा समझ गए ना बेटा। देखिए आशीष 3P इंटू कितनी डिस्टेंस है? 4 है। 2P, अरे यार क्या कर रहे हो यार रोहित, कुलदीप समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे? रामाकृष्ण कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा आप लोगों का, समझ गए बेटा? आशीष कुछ और बताना है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? अच्छा डीपली अंडरस्टैंडिंग सर, डीपली अंडरस्टैंडिंग होगा। चलिए बच्चों बढ़िया, ठीक है। तो स्लोप वाला टर्म भी क्लियर हो गया होगा आई होप काफी बच्चों का, ठीक है, और बाकी बच्चों का धीरे धीरे हो जाएगा। अब बच्चों क्या है, यहां पर एक फ्रेम लगा हुआ है, इस तरह से एक फ्रेम लगा हुआ, यहां पर लोड लगाया आपका पी, ए बी दिस इज सी एंड दिस इज पॉइंट डी। यस सूर्यांश, लोड एंड मूवमेंट दोनों आने वाले हैं, बिल्कुल सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर लोड एंड मूवमेंट दोनों सब्जेक्टेड होंगे। वो किस तरह से होंगे देखिए बच्चों, जिन बच्चों को नई चीज समझ में आ रहा है तो वो देखेंगे। तो देखिए बेटा यहां पर पी लोड सब्जेक्टेड है, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, टू इक्वल एंड अपोजिट पी मैग्नीट्यूड के लोड लगा सकता हूं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये डाउनवर्ड और ए अपवर्ड मिलकर के क्या बनाएंगे? एक मूवमेंट बनाएंगे, एक इस प्रकार से मूवमेंट बनाएंगे, और जो पी डाउनवर्ड है वो आपका लगा होगा, पी डाउनवर्ड है जो आपका वो लगा ही होगा, ठीक है बच्चों। तो ए वाले जो बीम है ना, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बीम बनाऊंगा ना, तो जो लोडिंग कंडीशन आ रही होगी बीम, बीम पर जो लोडिंग कंडीशन आ रही होगी, पी लोड यहां पर सब्जेक्टेड हो रहा होगा और ये डाउनवर्ड लोड है ये यहां पर लगा होगा, और यहां पर एक मूवमेंट लगा होगा पी एल बाय 4 मैग्नीट्यूड का कॉन्स्टेंट मूवमेंट, यहां पर पी एल बाय 4 मैग्नीट्यूड का कॉन्स्टेंट मूवमेंट लगा होगा, पी डाउनवर्ड लगा ही हुआ है। एसएफटी बना लोगे बच्चों? ये वाली बात समझ में आ गई सभी बच्चों को?
कि टू इक्वल एंड अपोजिट लोड लगा सकते हैं यहां पर, अपवर्ड लोड और डाउनवर्ड लोड दोनों मिलकर के कपल बना लेंगे और ये डाउनवर्ड बचा रहेगा, तो डाउनवर्ड बचा रहेगा तो उसको यहां पर लगा दिया और यहां पर एक कपल बना दिया। रोहित, कुलदीप, मोहित बेटा, योगेश, देखिए बेटा कुलदीप यहां पर इसेंट्रिक लोड लगा हुआ है, इसेंट्रिक लोड लगा हुआ है पी। इस इसेंट्रिक लोड को बेटा मैंने क्या किया, इसको मुझे रिप्लेस करना है, तो मैंने यहां पर टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के लोड लगा दिए, एक पी अपवर्ड लगा दिया, एक पी डाउनवर्ड लगा दिया। तो ये जो अपवर्ड वाला लोड और डाउनवर्ड वाला ये वाला, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इन दोनों से मिलकर क्या आ जाएगा बेटा, एक कपल आ जाएगा इस तरह से। तो एक कपल आ गया, कितने का, पी मैग्नीट्यूड का, और इनकी डिस्टेंस कितनी यहां से यहां तक की, एल बाय फोर, एल बाय फोर, तो पी एल बाय फोर का। तो ये जो कपल है बेटा यहां से यहां तक कॉन्स्टेंट ही लगा होगा, तो सी मेंबर में मैंने इसको कॉन्स्टेंट लगा दिया, और ये पी जो डाउनवर्ड लोड लगा था ये लगा रह गया, तो वो पी का पी आ गया, इस तरह से हो जाएगा। सो आशीष, शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे बेटा, हाँ ट्रांसफर कर दिया बस उसको, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ट्रांसफर कर दिया, तो पी आपका डाउनवर्ड लग रहा है तो जो यहां पर लग रहा होगा यहां पर भी लग रहा होगा, ट्रांसमिटिविटी थ्योरम से जो मूवमेंट है वो कॉन्स्टेंट ही बना हुआ है पूरे पोर्शन में, मूवमेंट यहां पर लग रहा था यहां पर भी लग रहा है, तो हमने यहां पर जो बीम पर एक्चुअल में लोड आने वाले हैं, एक इस प्रकार डाउनवर्ड लोड आ रहा होगा, एक इस प्रकार से मूवमेंट आ रहा होगा। शियर फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों सी पॉइंट पर, PL by 4 तो बेटा पॉइंट मूवमेंट है वो, सौरभ यहां पर तो केबल P लग रहा होगा, केबल P लग रहा होगा, यहां से यहां तक कॉन्स्टेंट जाएगी, फिर यहां पर एक और PL लगा दीजिए और यहां तक आप पहुंच जाएंगे इस तरह से। हाँ SFD ही तो है बेटा, अच्छा BMD सोच रहे थे, कोई बात नहीं, तो ये 2P हो जाएगा, यहां P हो जाएगा, ये P हो गया, ये 2P प्लस, और शियर फोर्स डायग्राम आपका, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, तो बेंडिंग मूवमेंट कितना होगा बच्चे सी पर, रोहित, माइनस क्यों होगा, सूर्यांश, ये माइनस क्यों होगा, हाँ प्लस होगा, प्लस ही बताइए बार बार ये माइनस प्लस का कन्फ्यूजन बहुत भयंकर होता है। तो बेटा यहां पर हम देखेंगे एक पॉइंट मूवमेंट लग रहा है, एक पॉइंट मूवमेंट लग रहा है यहां पर, कितने मैग्नीट्यूड का, पी एल बाय फोर का, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सैगिंग कर रहा है, तो सी पॉइंट पर हमने बेंडिंग मूवमेंट निकाल दिया। अब बेटा हम निकालेंगे बी पॉइंट पर, अब हम निकालेंगे बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट पर बेंडिंग मूवमेंट बता सकते हैं, यहां पर कोई एक सेक्शन ले लीजिएगा एक्स एक्स, सेक्शन ले लिया एक्स एक्स, और यहां से डिस्टेंस एक्स, तो बेटा इस सेक्शन में अगर हम देखूंगा, मैं देखता हूं बेंडिंग मूवमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स क्या हो जाएगा, देखिएगा पी एल वाई फोर तो लग ही रहा है पॉजिटिव, माइनस क्या हो जाएगा पी इंटू एक्स। अब अगर मैं सी पॉइंट पर निकालूंगा तो पी एल वाई फोर आ जाएगा, और बेंडिंग मूवमेंट अगर मैं बी पॉइंट पर निकालूंगा तो बेटा क्या हो जाएगा पी एल वाई फोर माइनस पी एल वाई टू, एक्स इक्वल टू में क्या पुट कर दूंगा एल वाई टू, तो यहां से बेंडिंग मूवमेंट एट बी पर कितना आ जाएगा बच्चों माइनस पी एल वाई फोर, वेरी गुड माइनस पी एल वाई फोर, तो यहां पर कहीं आ गया आपका माइनस पी एल वाई फोर। अब मैंने इसको इस तरह से मिला दिया, लीनियर को फॉलो कर रहा है। बेंडिंग मूवमेंट एट ए पर कितना आ रहा है बच्चों, बेंडिंग मूवमेंट एट ए, मोहित बताइए जरा बेटा,
क्वेश्चन आ रहा है मोहित, ए पॉइंट पर पूछ रहा हूं बच्चे, ए पॉइंट पर। आशीष कितना आया? माइनस फाइव पी एल वाई फोर। वेरी गुड सर, आशीष गलत निकल रहा बेटा आपका। फाइव पी एल बाय आ गया सोलह आंसर। आशीष गलत क्यों कर रहे हो बच्चे? यार मूवमेंट जैसी चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आप गलत करोगे। ए पॉइंट पर क्या हो जाएगा? पी एल बाई फोर तो लग ही रहा है, पी इंटू टोटल एल माइनस का और माइनस पी इंटू एल बाई टू। ये निकल आएगा इस तरह से। सूर्यांश अब देखिए बेटा, यहां पर एक नया पॉइंट मिलेगा आपको। वो नया पॉइंट क्या है कि यहां पर सीयर, यहां पर बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है बेटा। यहां तक मूवमेंट सभी के निकल आए, एक बार बता दीजिए सभी लोग। शिवम आप क्यों साइलेंट मोड में आज बेटा? रामाकृष्ण क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा? मोहित हाँ एक मूवमेंट था, यस। अब यहां पर एक पॉइंट आएगा हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है? प्लस माइनस का झगड़ा चल रहा है। इट इज अ पॉइंट ऑन विच बेंडिंग मूवमेंट चेंज इट्स साइन, ठीक है, आइदर पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसको हम बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। हाँ यार बेंडिंग मूवमेंट चेंज इट्स साइन, जहां पर बेंडिंग मूवमेंट बेटा अपना साइन चेंज करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, वहां पर बेटा क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। उसको ऐसा कुछ नहीं नाम दिया गया बेटा, जहां पर शियर फोर्स साइन चेंज करता है उसको ऐसा कुछ नाम नहीं दिया गया, लेकिन बेंडिंग मोमेंट में नाम दिया गया पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। अच्छा बच्चों देखो, अब एक चीज और, आपसे जो गेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें पूछा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की लोकेशन, लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पूछा जाता है। तो लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर अगर आप देखेंगे, अगर मैं बात करता हूं बेटा इस पॉइंट से, यानी सी पॉइंट से, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की लोकेशन क्या होगी? हाँ तो एक तो बेटा है आपकी सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से आप निकालते हैं पी एल बाई फोर, पी एल बाई फोर, ठीक है, और ये भी आपका एल बाई फोर, एल बाई फोर है, ठीक है, तो यहां से निकल जाएगा। दूसरा तरीका अगर बेटा क्या है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को वैलिड नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, जो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनी हुई थी ना इस सेक्शन के लिए, इस बेंडिंग मोमेंट की, एक्चुअली बेंडिंग मोमेंट तो जीरो हो रहा है ना यहां पर, तो इस इक्वेशन को हम इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो पहला तो तरीका रहता है आपका, पहला तरीका रहता है आपका कि बेंडिंग मूवमेंट उस सेक्शन में इज इक्वल टू आप जीरो ही पुट कर दीजिएगा। तो यहां से सिंपल से क्या हो जाएगा, पी एल बाय फोर माइनस पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा, इन एक्स बराबर निकल आया आपका एल बाय फोर। कहां से डिस्टेंस है ये? फ्री एंड से, यहां से बेटा एल बाई फोर पर ये अपना साइन चेंज कर रहा था,
दूसरा बेटा है सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, जैसा कि आशीष बोल रहा है बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज निकाल ली तो भी निकल जाए। लेकिन बेटा जो सही प्रोसीजर है वो ये है कि इस बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बनाइए, उसको इक्वल टू जीरो पुट कर दीजिएगा और एक्स निकल आएगा। एक्चुअली क्या पैराबोलिक होता है यहाँ पर, पैराबोलिक अभी आने वाली है, पैराबोलिक होता तो सब गड़बड़ हो जाता। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर से कंफ्यूज नहीं होना है, बेंडिंग मूवमेंट जहां पर जीरो वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर नहीं होगा। जहां पर बेंडिंग मूवमेंट अपना साइन चेंज करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, जैसे ये मोहित भाई है ना, तो मोहित क्या करता है राइट से आता है, मोहित राइट से आता है, राइट से आता है तो यहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है और हम लोग पॉजिटिव इस राइट साइड से आ रहे हैं तो यहां पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो दोनों ही तरफ से अगर आप देखेंगे तो जहां पर साइन चेंज होगा, और साइन चेंज होने के लिए बेटा क्या होता है एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां जीरो आएगा, तो जहां पर जीरो हो रहा है वो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर है। ये तो हम कर चुके हैं, चलेगा। इस क्वेश्चन का एसएफडी बीएमडी अब नहीं आओगे? चलिए उससे अच्छा तरीका मिल जाएगा तो फिर डेफिनेटली नहीं आओगे। एक कैंटिलीवर बीम है जिस पर पॉइंट मूवमेंट लगे हुए हैं बेटा इस तरह से, इसका एसएफडी बना के बताइए, बीएमडी शियर फोर्स तो जीरो हो गया, बिल्कुल बेटा समझ में आ गया आशीष को कि शियर फोर्स तो जीरो होना ही होना है, शियर फोर्स तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर कितने हो रहे हैं, अब ये करते रहिए। आता हूं बहुत अच्छे बच्चों, गुड। बेंडिंग मूवमेंट एट ई पर कितना आ रहा है, चलिए बताइए मुझे। ई पर बेंडिंग मूवमेंट कितना आ रहा है बच्चों,
जीरो कहां है, ई पर लगा तो है टू एम का। अरे बच्चों यहां पर पॉइंट मोमेंट नहीं लगा है टू एम का, तो जीरो कैसे कर रहे हो? तो यहां पर लगा है टू एम का नेगेटिव, लगा दिया। अब यहां से यहां तक जाएंगे, पहुंचे भैया यहां पर डी पर पहुंचे, डी पर कितना हो जाएगा माइनस टू एम के साथ आ रहे थे बेटा, यहां पर एक सेकंड लगा हुआ है फाइव एम का प्लस फाइव, कितना हो जाना है प्लस थ्री। तो यहां से हम पहुंचे प्लस थ्री एम पर, टू एम टू प्लस थ्री एम पर पहुंचे। अब यहां से जाएंगे बेटा यहां तक, यहां से पहुंचे यहां पर, बेंडिंग मूवमेंट एट सी पर कितना हो जाएगा बच्चे? यहां पर देखिएगा हम राइट हैंड साइड से चल रहे हैं, तो जो सेक्शन पॉइंट ले रहे हैं ना उसके राइट हैंड साइड में देखेंगे, तो राइट हैंड साइड में एक मूवमेंट कैसा लग रहा होगा इस तरह से। तो क्या कर रहा है? हॉगिंग कर रहा है। तो भाई हम तो प्लस थ्री के साथ पहुंचे थे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया? हॉगिंग करवा दिया, हुआ माइनस एम। यहां पहुंचे थे हम प्लस थ्री के साथ, और यहां पर उन्होंने क्या करवा दिया? सब लफड़ा करवा दिया, एम पहुंचे माइनस एम पहुंचे। अब यहां पर अगर आप देखेंगे इस क्रॉस सेक्शन के राइट हैंड साइड में देखेंगे, तो क्या कर रहा होगा? सैगिंग कर रहा होगा। तो बेंडिंग मूवमेंट एट बी पर कितना हो जाएगा? माइनस एम प्लस फाइव, कितना हो जाएगा? फोर एम। और यहां से कॉन्स्टेंट जाएंगे और एंड पर भी फोर एम ही आ रहा है, ठीक है। और इस तरह से बन गया हमारा। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर कितने होगा फिर बच्चों? थ्री, वेरी गुड। कहां कहां? बी सी एंड डी, बी सी एंड डी। और मैक्सिमम सैगिंग कितना हो गया बच्चों? मैक्सिमम सैगिंग कितना हो गया? मैक्सिमम सैगिंग फोर एम, वेरी गुड। जो पॉजिटिव है वो सैगिंग मैक्सिमम फोर एम, और मैक्सिमम हॉगिंग टू एम, मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाता है बेटा, ठीक है। तो मैक्सिमम टू एम। अब इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग में कितना आ रहा है? 4m, लेकिन बीम पर 5m, 5m के लोड भी लगे होंगे, ठीक है। लेकिन सेक्शन में जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है? 4m। निकाल लोगे इस तरह से? बहुत अच्छे कुलदीप, डीप अंडरस्टैंडिंग चल रही है बच्चे? मोहित, यस, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बेटा यूडीएल लोड पर, ठीक है। यूडीएल अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? पॉइंट लोड पढ़ लिया, पॉइंट मूवमेंट पढ़ लिया, अब यूडीएल आएंगे, फिर यूवीएल आएंगे, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार से कैंटिलीवर बीम बना हुआ है, ये सेक्शन लिया आपने कोई एक्स एक्स, यहां पर जो लोडिंग बना हुआ है, जो लोड इंटेंसिटी है वो क्या है? डब्ल्यू पर यूनिट मीटर। तो सीयर फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों एट सेक्शन एनी एक्स एक्स? क्या बैक करना है बेटा? मोहित, शेयर फोर्स लीनियरली बढ़ेगा डी पर 3 मीटर, हाँ तो 3 मीटर तो 3m ही तो लगा बेटा डी पर, हाँ बिल्कुल आया। टू एम से क्यों बनेगा? यहां तो माइनस टू एम था ना, तो डी पर प्लस थ्री एम आया बेटा, प्लस थ्री एम, यानी डी पर आपको कहां तक जाना है? माइनस टू एम से प्लस थ्री एम तक, समझ गए? प्लस थ्री एम आया तो प्लस, भाई यहां एक्स एक्सिस से प्लस जाएंगे ना अपन, टोटल फाइव लगाए तभी तो टू इसमें कंज्यूम हो गया और थ्री यहां पर आ गया। तो बच्चों यहां पर लोड आपका देखें इस प्रकार से बना हुआ है, शियर फोर्स किसी सेक्शन पर क्या होगा? लीनियरली वेरी करेगा। सूर्यांश बिल्कुल, यहां पर लोड आपका अगर आप देखेंगे वो क्या कर रहा है? लीनियरली वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? डब्ल्यू इंटू एक्स, डब्ल्यू इंटू एक्स हो गया। अब मैं अगर शियर फोर्स एट बी पर निकालूंगा बच्चों तो क्या हो जाएगा?
जीरो बिकॉज एक्स इज जीरो, और अगर ए पर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एल। वेरी गुड, यहां पर जीरो था, यहां पर डब्ल्यू एल, यहां से मैं स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगा, स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है बच्चों, इसमें तो कोई ज्यादा परेशानी होगी नहीं। अब हम आते हैं बेंडिंग मोमेंट पर एट एक्स एक्स। इस एक्स एक्स पर बेटा बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, नहीं पैराबोलिक तो ठीक है, होगा कितना, मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं बेटा सूर्यांश से। गलत है सौरभ, आशीष का भी गलत है, कुलदीप बेटा आप बताइए, मोहित, रामाकृष्ण, यस ये होगा बेटा। देखिएगा यहां से यहां तक टोटल लोड कितना लगा है, बी से एक्स एक्स तक टोटल लोड लगा है आपका माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स, टोटल लोड कितना लगा है डब्ल्यू इंटू एक्स। अच्छा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको हम लगा हुआ कौन मान सकते हैं, इसके सेंटर पर सीजी पर, यहां पर सीजी पर लगा हुआ मान सकते हैं, डब्ल्यू एक्स का सीजी पर लग रहा है तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर इंटू एक्स बाय, यस। तो अब हम इसको कर लेंगे माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, ये आएगा बेटा किसी भी सेक्शन पर, किसी भी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट अगर आप निकालेंगे तो माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू। आशीष बेटा क्लियर है आप, मोहित, कर सकते हैं उसमें क्या परेशानी, लेकिन हम तो एक्स एक्स सेक्शन पर पूछ रहे हैं ना, हाँ एलिमेंट वाला कर सकते हैं। देखिए बच्चे यहां पर क्या यूडीएल लोड लगा है, मतलब यहां से यहां तक लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टोटल लोड का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, टोटल लोड का मैग्नीट्यूड हो गया डब्ल्यू इंटू एक्स, डब्ल्यू इंटू एक्स, ठीक है डब्ल्यू इंटू एक्स, और डब्ल्यू इंटू एक्स कहां पर लगा होगा आपका, ये लगा है बेटा सेंट्रोइड पर, ये लगा है आपका सेंट्रोइड पर, सेंट्रोइड पर लगा है बेटा तो सेंट्रोइड से यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आप, ओके तो ये आ गया। अब बेटा हम बनाते हैं इसका W L स्क्वायर बाय टू, ए पर क्या हो जाएगा W L स्क्वायर बाय टू और B पर क्या हो जाएगा जीरो। अब बच्चों यहां पर बनाएंगे जो कर इन दोनों पॉइंट्स को हमको मिलाना है, वो पॉइंट कैसे मिलेंगे बच्चों, इन दोनों पॉइंट को मुझे मिलाना है, कैसे मिलाऊं, स्ट्रेट लाइन से मिला दूं, पैराबोला से, ओके आप कह रहे हैं तो पैराबोला से मिला देता हूं, लीजिए मिला दिया। गलत लग रहा है, क्यों लग रहा है भाई गलत, सौरभ गलत क्यों लग रहा है बेटा, और तो किसी बच्चे को गलत नहीं लग रहा है, रामाकृष्ण को भी गलत लग रहा है, ओ माय गॉड, तब तो फिर मैंने गलती कर दी। देखने में सही नहीं लग रहा है, देखने में सही क्यों लगेगा, क्योंकि अभी तक आपको ऐसा दिखता था, ऐसा देखते आए हो ना, इसलिए देखने में सही नहीं लग रहा है, वन वाला अभी तक देखते आए हो तो टू वाला क्यों सही लगेगा, सूर्यांश वन वाला क्यों है टू वाला क्यों नहीं है, इसका रीजन दे सकते हो कैसे, हाँ बताइए,
बिल्कुल सही, वेरी गुड, यस। एक्चुअली देखिए बेटो, यहां पर बता देता, अब हमको क्या करना होगा, स्लोप ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट, स्लोप ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स। अरे बता चुका हूं मैं कई बार, स्लोप ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स। जब शियर फोर्स के बराबर है बेटा, तो यहां पर शियर फोर्स क्या है, बी पर शियर फोर्स क्या है बच्चों, बी पर शियर फोर्स है आपका जीरो, बी पर शियर फोर्स है आपका जीरो, तो यहां पर स्लोप क्या होना चाहिए आपका जीरो, और ए पर शियर फोर्स क्या है मैक्सिमम, तो यहां पर स्लोप क्या होना चाहिए मैक्सिमम। और स्लोप अगर आप देखेंगे, देखिए शियर फोर्स कंटीन्यूअसली यहां से यहां तक डिक्रीज हो रहा है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे बेटा, बेंडिंग मूवमेंट का जो स्लोप है वो कंटीन्यूअसली डिक्रीज होती हुई जा रहा है, होते जाएगा, और यहां पर जाकर के स्लोप क्या हो जाएगा जीरो। कॉन्स्टेंट हो सकता है मतलब बेटा, आशीष, सूर्यांश, सौरभ, बात समझ में आई बेटा, यहां पर अगर हम देखेंगे बेंडिंग मूवमेंट का जो स्लोप होता है दैट इज इक्वल टू शियर फोर्स, या पर आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, तो कितना निकल आएगा, डब्ल्यू एक्स निकल करके आ जाएगा। हाँ एम कॉन्स्टेंट तो शियर फोर्स जीरो, बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, यहां पर हम इसका स्लोप बना के देख लेते हैं ना, स्लोप क्या बनेगा डीएम डिवाइडेड बाय डीएक्स, यहां पर अगर हम देखेंगे तो डीएक्स आपको बढ़ रहा है और डीएम क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है, तो स्लोप क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है, यहां पर स्लोप फाइनली क्या हो जाएगा जीरो, बिकॉज शियर फोर्स इज इक्वल टू जीरो। शियर फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चे, तो इसलिए ये सही होता है और ये गलत होता है, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। सभी बच्चों को क्लियर हो गई ये वाली बात, स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग क्यों हो रहा है, बिकॉज शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली यहां से क्या होता जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा है, इसलिए इसका जो स्लोप है वो क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा। अरे बताइए बच्चों सभी को क्लियर है, वेरी गुड सर आशीष, हाँ हाँ बिल्कुल वही पैराबोलिक इक्वेशन से भी कर सकते हैं बिल्कुल, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, इसका स्लोप निकाल लीजिएगा बिल्कुल, अब सूर्यांश कर सकते हैं, मैं एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ ना आपको, हमेशा याद रख सके, सामने तो दिखा हुआ है शियर फोर्स, सामने दिख रहा है शियर फोर्स, सामने कम हो रहा है तो स्लोप कम होता जाएगा, यहां पर शियर फोर्स जीरो है तो स्लोप क्या कर देना जीरो कर देना खत्म बस, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अगर हम देखेंगे ए टू बी इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसे ए टू बी, तो यहां पर हम लिख लेंगे इज डिक्रीजिंग फ्रॉम ए टू बी बिकॉज शियर फोर्स इज डिक्रीजिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है बेटा, और यहां पर जीरो होना चाहिए, पी पॉइंट पर क्या हो जाएगा जीरो बिकॉज शियर फोर्स इज जीरो, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से एसएफडी वाला जो यूवी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड वाला पार्ट है, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, ऊपर साइड लग सकता है, मतलब ऊपर साइड ही तो लगा है, चलेगा यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड कर लो, नीचे से, हाँ नीचे से लग सकता है बिल्कुल, लगा दीजिए भैया आप लगा दीजिए,
जो छत रहता है ना, छत पर जो पिलर लगा रहता है भैया, अगर छत ऊपर से लोड दे रहा है तो पिलर भी तो नीचे से लोड दे रहा है ना यूनिफॉर्मली। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो लगा दीजिए। चलिए, यहाँ पर लोड लगाओ, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो शियर फोर्स किसके बराबर होगा यहाँ पर? शियर फोर्स एट एनी सेक्शन एक्स एक्स, बता सकते हैं? सबसे पहले यहां पर वर्टिकल रिएक्शन बता दीजिएगा कितनी होगी बच्चों। हाँ, एरिया के बराबर। एरिया कितना होगा बेटा? नहीं बेटा, मुझे पता नहीं है एरिया, आप ही बता दो। फ्यूज उड़ गए बच्चे मेरे तो। यहां पर बेटा कितना होगा योगेश? डब्लू। अरे बेटा, यहां पर डब्लू लग रहा है, ये लेंथ है। वेरी गुड, बहुत अच्छे राउंड कैसे। डब्ल्यू एल बाय टू, भाई ट्रेंगल है ना, टोटल ट्रेंगल की एरिया के बराबर होगा, तो डब्ल्यू एल बाय टू। बिल्कुल। अब हमको निकालना है इस सेक्शन पर लोड। अगर मैं कहता हूं यहां पर लोड है आपका W, तो इस सेक्शन पर लोड निकाल सकते हैं? बताइए जरा कितना होगा W एट x एक्स। बेटा योगेश, ये सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब तो मुझे डायरेक्ट आंसर ही बता दीजिए। हाँ, आप ही बता दीजिए। यस बच्चे, वेरी गुड। डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एल इंटू एक्स, बहुत अच्छे। तो बेटा शियर फोर्स कितना हो जाएगा फिर एक्स एक्स पर? सूर्यांश बताइए बेटा, शिवम, सौरभ, शियर फोर्स कितना होगा एट एक्स एक्स पर? बहुत अच्छी होगी। आशीष, इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर। वेरी गुड। इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर। इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 डब्ल्यू एट एक्स एक्स इंटू लेंथ। इसकी मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, सॉरी एक्स हो जाएगा इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 1/2 डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2L। दिस इज द शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स एक्स। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं क्या करता हूं, शियर फोर्स एट पॉइंट बी पर निकालता हूं और शियर फोर्स एट पॉइंट ए पर निकालता हूं, तो बी पर कितना होगा बच्चों? वेरी गुड, जीरो होगा, बिल्कुल जीरो होगा। ए पर कितना हो जाएगा बच्चों? ये तो निकाल ही चुके हैं, डब्ल्यू एल डिवाइड बाय टू।
डब्ल्यू एल डिवाइड बाई टू और यहां पर जीरो। अब इसको कैसे मिलाना है बच्चों, शियर फोर्स जो कर्व है इसको कैसे मिलाना है, स्ट्रेट लाइन से मिला दो पैराबोला से, बिल्कुल ये पैराबोला से मिला देता हूं आप कह रहे हैं तो। यस टू डिग्री तो पैराबोला होगा बिल्कुल, तो ये पैराबोला डब्ल्यू एल बाई टू पैराबोला इस तरह से। अब बेटा बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना ले, तो बेंडिंग मूवमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स पर कितना हो जाएगा बच्चों, ये जो सेक्शन एक्स एक्स है यहां पर बेंडिंग मूवमेंट कितना हो जाएगा, रामकृष्ण बताइए बेटा जरा, डब्ल्यू एक्स क्यू डिवाइड बाई फोर एल टू बाई थ्री का नहीं, एक्स बाई थ्री का होगा सूर्यांस, बेस है ना बेटा, बेस से डिस्टेंस कितना आ जाता है सीजी का, एक्स बाई थ्री नॉट टू एक्स बाई थ्री। तो बेटा जो सीयर फोर्स आ रहा है, ये सीयर फोर्स आ रहा है, देखिएगा सीयर फोर्स आपका कहां लग रहा होगा, सीयर फोर्स लग रहा होगा इसके सीजी पर, ट्रायंगल के, ट्रायंगल के सीजी पर, और ट्रायंगल के सीजी की इस बेस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स बाय थ्री, बेस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स बाय थ्री। तो मेरा कितना हो जाएगा आपका, यहां पर लिख लेते हैं अच्छे से एट एक्स एक्स, तो सबसे पहले तो माइनस हो जाएगा कितना, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एल, यही तो शियर फोर्स लग रहा है, और इंटू एक्स बाय थ्री, यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, शियर फोर्स एट एक्स एक्स इंटू एक्स बाई थ्री। तो बेटा यहां से बेंडिंग मूवमेंट एट एक्स एक्स पर कितना हो गया, माइनस डब्ल्यू एक्स क्यू डिवाइडेड बाय सिक्स एल, और बेंडिंग मूवमेंट एट बी पर जीरो, और बेंडिंग मूवमेंट एट ए पर कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए बेटा बेंडिंग मूवमेंट अगर हमको निकालना है किसी भी सेक्शन एक्स एक्स पर, तो क्या होगा, शियर फोर्स जो लग रहा है उस एक्स एक्स पर, और शियर फोर्स एक्स एक्स पर कितना लग रहा है इसके टोटल लोड एरिया के बराबर, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर सीजी पर लग रहा है तो बेस से कितना डिस्टेंस होता है, एक्स बाई थ्री, एक्स बाई थ्री। तो मैंने क्या कर दिया, शियर फोर्स एट एक्स एक्स और एक्स बाई थ्री, शियर फोर्स एट एक्स एक्स में पहले निकाल ही चुका हूं, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एल इंटू एक्स बाई थ्री कर दिया। हाँ, क्यूबिक रहेगा, एक्स क्यूब है ना बेटा, बिल्कुल थ्री डिग्री रहेगा, क्यूबिक रहेगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय सिक्स। यहां पर स्लोप जीरो रहेगा क्योंकि शियर फोर्स कितना है, जीरो, और यहां पर स्लोप मैक्सिमम, तो बस ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने कैंटिलीवर बीम में सभी टाइप की लोडिंग कंडीशन पढ़ ली है। ठीक है बच्चों, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में सभी टाइप की लोडिंग कंडीशन पढ़ ली है जो हमारे यूजफुल है। ठीक है, और इसका एक आंसर कर दीजिए जल्दी से। जीरो, बिल्कुल, सी विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए, यहां पर बेटा योगेश,
अरे बेटा अभी 15 मिनट बचे हैं, थोड़ा सा रिएक्शन वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं, सिंपली सपोर्टेड है। मैं कई बच्चों को रिएक्शन में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है बच्चों आगे बढ़े, अब हम बढ़ते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम की तरफ। बस 10 मिनट और बच्चों, ठीक है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो अब सिंपली सपोर्टेड बीम में बेटा अगर आप देखेंगे, एक हम लेंगे हिंज और एक लेंगे हम रोलर, और यहाँ पर डिफरेंट काइंड के लोड लगे होंगे अलग अलग लेंथ पर। तो बच्चों सबसे पहले आपको रिएक्शन निकालना आना चाहिए। रिएक्शन निकाल सकते हो? रिएक्शन निकालना तो आता होगा सभी बच्चे। एक क्वेश्चन को ही करके दिखा दीजिएगा। हाँ इस पर बता, आर ए और आरबी की वैल्यू निकाल के बता दीजिए जल्दी से बच्चों। सौरभ बन जाएगा बच्चों? क्या हुआ बच्चों निकाल लाए ना? हाँ बिल्कुल सूर्य वही होता है, कुछ अलग थोड़ी ना है, वही होता है। जल्दी से वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए। अच्छा लाइट नहीं है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और बाकी बच्चों को करने दो। अब लाइट नहीं है तो आप तो निकाल ही नहीं पाओगे क्योंकि मोबाइल में टॉर्च होती नहीं है, कौन जलाए करेंगे बाकी बच्चों निकाल के बताइए जल्दी से। जब मैं थक जाता हूं तो मेरे कान बहुत गर्म हो जाते हैं। हाँ लोड ट्रांसफर होगा बिल्कुल। यहां पर आप क्या करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के 5 किलोटन 5 किलोटन के लोड सब्जेक्टेड कर देंगे। तो बेटा क्या होगा, 5 किलोटन का लोड तो लगा रहेगा और इसकी वजह से क्या आ जाएगा, एक मूवमेंट आ जाएगा इस तरह से 5 किलो न्यूटन मीटर का। एक लोड भी लगा है आपका जो डाउनवर्ड, और एक क्या आ जाएगा यहाँ पर मूवमेंट आ जाएगा 6.25 and 8.75। सौरभ का रिएक्शन सही है, सौरभ का सही है। हाँ आशीष बेटा आपकी गलत निकल गई शायद कहीं से, देखो जरा। रोहित कुलदीप ये डीप लर्निंग वाला बेटा कुछ निकालो बेटा, आंसर आंसर भी निकालो। डीप लर्निंग में ही बैठे रहोगे क्या? हाँ कुछ निकालिए बताओ उसका आउटपुट, क्वेश्चन वगैरह कुछ आंसर वगैरह दीजिए। मजा आया आज के सेशन में बच्चों? कुछ नया सीखे? जो अभी तक पढ़ा था थोड़ा बहुत तो उसमें सुधार हुआ होगा।
चलिए एक ही बच्चे को मजा आ रहा है, बाकी बच्चे तो बस देख रहे हैं। क्या हो जाएगा बेटा, आर ए प्लस आर बी तो आपका 15 हो गया, अब मोमेंट अबाउट पॉइंट ए के हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाते हैं, क्या हो जाएगा आर बी इंटू 8 प्लस 5 किलोमीटर का लगा हुआ है इज इक्वल टू 5 का डाउनवर्ड आ रहा है, यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा 5 इंटू 6 प्लस 10 इंटू 2, तो बेटा यहां से आर बी आपका हो जाएगा 30 30, और ये कितना हो जाएगा 20, तो 50 45 हो गया। अरे आशीष का आंसर सही था बेटा, एक और बालक सौरभ उसका गलत हो गया है, 45 डिवाइडेड बाय 8 8 5 40 6 2 5 ऐसा कुछ आ रहा था। वेरी गुड आशीष, आशीष की कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर है। यस सूर्यांश 45/8 आ जाएगा, और यहां पर आर ए कितना हो जाएगा आपका 9 पॉइंट। हाँ बच्चे ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, ओके ओके ओके। ठीक है बच्चे कोई बात नहीं, बस रिएक्शन निकाल लिया सभी बच्चों ने, एक बार रिएक्शन निकाल के दिखा दीजिएगा, उसके बाद अपन बस सेशन आज का कंप्लीट कर लेते हैं। ओके बच्चे सौरभ बेटा आपने गलत निकाला था, आज इसका सही निकला था, कहीं गड़बड़ कर दी बेटा आपने। चलिए बच्चों चलिए तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं, बाकी सिंपली सपोर्टेड बीएम के एसएमटी बीएमडी कल स्टार्ट करते हैं। हाँ फाइव वाला मूवमेंट नहीं लिया होगा, बिल्कुल बिल्कुल यस। चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही रहने देते, मिलते हैं टुमारो ऑनवर्ड, जिसमें ऐसे सिंपली सपोर्टेड बीम ओवरहैंग और प्रॉप कैंटिलीवर उस वाले पार्ट को पढ़ेंगे और करेंगे। ठीक है बच्चों, थक गए होंगे बच्चों, मैं भी आज थक गया हूँ बहुत ज्यादा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल, बाय बेटा, बाय मोहित। हाँ बेटा बस चाय पीता हूँ सौरभ, जाकर के चाय बनवाता हूँ। चलो ठीक है बच्चों।